तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। बॉलीवुड में इतना बड़ा क्लैश आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। जहाँ दोस्तों ओएमजी 2 और गदर 2 इन दोनों फिल्मों के फर्स्ट सिक्वल सुपर डुपर हिट थे और जबरदस्त हिस्ट्री क्रिएट करे थे, लेकिन दोनों के सेकेंड सिक्वल का खाता ऐसे खुलेगा किसी ने नहीं सोचा था। मतलब जनता दोनों फिल्मों को देखना चाहती है, लेकिन देखा जाए तो फेवर गदर 2 के पास ही जा रहा है, क्योंकि गदर फर्स्ट की जो छाप है लोगों के दिलो दिमाग में, इसका बहुत एडवांटेज मिल रहा है गदर 2 को। दूसरा, सेंसर बोर्ड ने जो ओएमजी 2 की धज्जियां उड़ाई वो हम सब जानते हैं। मूवी को ए सर्टिफिकेशन की रेटिंग देकर जनता के सामने रखा जाएगा। तो एडवांस में बुकिंग में दोनों ही फिल्में धमाल कर रही हैं, लेकिन एडवांस बुकिंग के मामले में ओएमजी 2 कहीं ना कहीं गदर 2 से मार जरूर खा रही है। तो आज जानेंगे कि अभी तक बुकिंग में कौन कितने आगे है, अभी तक कितना एडवांस बुकिंग और कलेक्शन हो चुका है दोनों फिल्मों का, पहले दिन कितनी बड़ी ओपनिंग ले सकती है दोनों फिल्में, सब जानेंगे बस कुछ ही देर में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना अगर आप भी सनी बाजी, अक्षय बाजी और पंकज त्रिपाठी के डाई हार्ट फैन हैं और दोनों फिल्मों का इंतजार काफी लंबे समय से कर रहे थे तब। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करेंगे पहले ओएमजी 2 की। तो यस, मूवी को अमित राय के डायरेक्शन में मात्र 150 करोड़ के टोटल बजट पर बनाया गया है, जिसके मेन लीड में आपको पंकज त्रिपाठी और अक्षय पाजी देखने को मिलेंगे। इसी के साथ दोस्तों, जनता को ट्रेलर पसंद तो बहुत आया था। जितने भी सोशल मीडिया हैंडलर थे सभी ने पॉजिटिव रिव्यू ही दिए ट्रेलर को, और मैं खुद पर्सनली बोलूँ तो यस, ट्रेलर में ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि लोगों की फीलिंग्स को हर्ट हो, जिसके लोगों के डिवोशनल सेंटिमेंट्स को हर्ट हो। उल्टा सनातन धर्म को बहुत ऊँचा दिखाने पर जोर दिया जा रहा है। इसमें पंकज त्रिपाठी का डायलॉग है कि जब पूरी दुनिया करवट ले रही थी तब हमारा सनातन धर्म रफ्तार में था। तो यस, एक बार फिर कहूंगा ट्रेलर वाकई बहुत शानदार है। इसी के साथ बात अगर एडवांस बुकिंग की करें तो यस, 5 दिन पहले ओएमजी 2 की एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन उतना अच्छा रिस्पांस देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि अक्षय कुमार की फिल्म अपने 5 दिन तक 4 से 5 करोड़ तक का कलेक्शन एडवांस से ही कर लेती है, लेकिन मूवी अभी तक सिर्फ 1 करोड़ 70 लाख के आसपास ही कलेक्शन कर पाई है एडवांस से। तो गदर 2 के सामने खड़ा हो पाना मूवी को बहुत भारी पड़ रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ गदर 2 को एक तरफा कलेक्शन कर रही है। दूसरा, ऐसा नहीं है कि मूवी दमदार नहीं होगी, पक्का होगी, क्योंकि मेकर्स ने सबसे बड़ा मास्टर माइंड गेम यहां खेला है कि ट्रेलर में बहुत कुछ रिवील ही नहीं करा है। उल्टा टीजर में जो सीन्स दिखाए गए थे वो आधे सीन्स वही डाल दिए हैं। तो मूवी में अभी बहुत कुछ देखने को बचा है। क्लाइमैक्स क्या होने वाला है, एक्चुअल स्टोरी क्या होने वाली है, एवरीथिंग, ये सब अब हमें 11 अगस्त को ही पता लगेगा जब मूवी रिलीज होगी। इसी के साथ दोस्तों, मूवी को लगभग 2000 से 2200 स्क्रीन्स पर रिलीज करा जाना है, और जिस हिसाब से जनता की तरफ से मूवी को रेस्पॉन्स मिल रहा है, जिस हिसाब से रिव्यू मिल रहे हैं और जिस हिसाब से एडवांस में कलेक्शन चल रही है, मूवी लगभग 15 करोड़ तक की सॉलिड ओपनिंग ले सकती है अपने पहले दिन ही, और लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में लगभग 200 करोड़ का आंकड़ा आराम से पहुंचा सकती है। इसी के साथ दोस्तों, बात करें दूसरी फिल्म यानी गदर 2 की, तो यस, गदर 2 ने बॉलीवुड सिनेमा के काफ़ी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और गदर 2 को जनता से भी काफ़ी प्यार मिल रहा है, जिसका जीता जागता सबूत हमें 7 दिन पहले ओपन एडवांस बुकिंग से सीधा पता लग रहा है। लोग दबा के फर्स्ट का टिकट खरीद रहे हैं, और अभी गदर 2 ने सिर्फ एडवांस से लगभग 6.5 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन कर लिया है, जो कि सिर्फ आज का ही एडवांस कलेक्शन मात्र 1.5 करोड़ से ऊपर का था। वहीं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करूं तो लगभग 8 करोड़ के ऊपर जबरदस्त कलेक्शन कर लिया है, जो कि एक ह्यूज नंबर है। इसके साथ दोस्तों, गदर 2 अभी तक 1.5 लाख से ऊपर टिकट बेच चुकी है, जो कि सीधा पठान को टक्कर दे रही है, और ऐसे ही चलता रहा तो पठान का ये रिकॉर्ड भी तोड़ देगी आने वाले कुछ ही एक आध दिनों में। इसी के साथ दोस्तों, मूवी को लगभग 2000 से 2500 स्क्रीन्स मिलने वाली हैं, और एक्सपर्ट द्वारा मोटा मोटा आंकड़ा ये लगाया जा रहा है कि मूवी 11 अगस्त से पहले यानी अपनी रिलीज डेट से पहले सिर्फ एडवांस से 20 से 25 करोड़ तक का कलेक्शन कर सकती है, जो कि एक ह्यूज नंबर है। नो डाउट दोस्तों, ओएमजी 2 के सामने गदर 2 एक तरफा कलेक्शन करके ले जाएगी बॉक्स ऑफिस में भी, और फैमिली वाली ऑडियंस पसंद भी गदर 2 को ही करेंगी, क्योंकि ओएमजी 2 की एक छवि वहां से खराब ये हो रही है कि मूवी को एज सर्टिफिकेशन के दायरे में रिलीज करा जाना है, तो जो फैमिली टुगेदर वाली ऑडियंस है वो स्विच करके गदर 2 में ही आना पसंद करेगी, क्योंकि गदर 2 फैमिली ड्रामा एक्शन से भरी पारिवारिक मूवी है। इन्हीं सब आंकड़ों को देखा जाए तो मूवी को अपने पहले दिन में 35 से 40 करोड़ से ऊपर कलेक्शन करने से किसी का बाप नहीं रोक पाएगा, और पूरी दुनिया से पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 54 से 60 करोड़ से ऊपर आराम से जा सकता है, और पहले 5 दिन में ही ये बिगेस्ट ग्रॉसर बनकर उभरेगी ये मूवी। इसी के साथ दोस्तों, पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि मूवी लगभग 400 से 450 करोड़ का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी आराम से करके ले जाएगी पूरी दुनिया से। दोस्तों, मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी। आपको क्या लगता है गदर 2 और ओएमजी 2 में ब्लॉकबस्टर हिट कौन सी फिल्म होने वाली है, कौन सी फिल्म ज्यादा बिजनेस करके जाएगी, क्या अक्षय पाजी गदर 2 को खदेड़ देंगे? फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा, अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।